सुबह सुबह गंगा देवी का महत्व सुनाएंगे, बने रहिए और सुनते रहिए। अभी हम लोग गंगा पार होकर के नरसिंहपल्ली जाएंगे। ये जो गंगा है, ये गंगा कौन है? बोले देव विश्वेश्वरी भगवती गंगा। ये गंगा कोई साधारण ये नहीं, कि जो साक्षात भगवान की चरण से जो निकली और भगवान की चरण की मकरंद को लेकर के ये गंगा प्रवाहित तो हो रही है। इसलिए स्वयं जिस गंगा को जो देवदेव महादेव स्वयं वैष्णवा नाम यथाशंभु वैष्णव जो अग्रगण्य, इन्होंने सर्वप्रथम गंगा देवी को अपना सर पर उन्होंने धारण किया है। तब उन्होंने किस लिए धारण किया? सर को ऊपर में शंकर तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते। कारण है कि जो गंगा भगवान की ये चरणामृत ये श्री गंगा है। इसलिए गंगा की जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे थे, बहुत दूर तक उन्होंने भगवान का नाम कोई नहीं सुना, लेकिन हठात एक जगह पर जब गए, देखा कुछ बच्चों को ग्वालों को हरी 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 बोल बोल रहे। महाप्रभु बोले इतना दूर तक तो कोई गंगा का कोई नाम तक ही नहीं सुना, लेकिन ये अभी तक ये हरी हरी क्यों ना सुनाई नहीं पड़ रहा है? फिर पता चला ये पास में ये गंगा है, जहाँ पर गंगा की हवा अगर किसको शरीर में भी लग जाए, कहते ये गंगा उसको पवित्र कर देती है। कहते इनकी किनारा में जो कीट पतंग तौरु लता ये भी जो रहते हैं, कहते गंगा की स्पर्श से उनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए गंगा का तो महिमा था ही, लेकिन इसका विशेष महिमा हो गया जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। एक समय गंगा यमुना को बोल रही है, यमुना बड़ी बहन, गंगा छोटी बहन। बोले बहन तेरी कितने सौभाग्य है जो कि भगवान कृष्ण तुम्हारी जल में जल क्रीड़ा करते हैं, जल विहार करते हैं। यमुना कहती है देखो तुम चिंता मत करो, यही कृष्ण ही कलयुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का रूप में जब आएंगे तुम्हारी किनारा में, बड़े सुंदर सुंदर लीला करेंगे और तुम्हारे जल विहार करेंगे। इसलिए जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब गंगा में विहार कर रहे थे, गंगा छुप करके छलना से अपना लहरियों को द्वारा श्रीमान महाप्रभु को सुंदर रूप में तैराया करते थे, उनको तैरते थे। इसलिए बोले स्वयं महाप्रभु तुम्हारी गंगा में तैरेंगे, इसलिए तुम्हारी विशेष महिमा होगा। इसलिए गंगा जब भगीरथ ने गंगा को लेकर के जब विशेष करके जब नवद्वीप धाम में आए, उसी समय में गंगा किसी तरह से, जैसे वृंदावन में यमुना किसी तरह से वृंदावन को छोड़ना नहीं चाह रही थी, कारण क्या? बोले जो वृंदावन भगवान कृष्ण की ये धाम है, उसी तरह गंगा भी किसी तरह से ये नवद्वीप धाम को ये छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए यहाँ पूरा टेढ़ी मेढ़ी होकर के गंगा इधर प्रवाहित तो हो रही है। गुरुदेव इसकी विशेष के कथा सुनाया करते थे, गंगा की कितना महत्व है। बोले एक समय कोई एक सर्प गंगा किनारा में रहता था, अपना मुंह को बाहर निकाल करके बैठा हुआ, ऊपर से गरुड़ जा रहा था। गरुड़ जी सर्प को देख करके उन्होंने पंजा मार करके जब उनको पकड़ करके खींचने लगे, खींचते ही उसी समय में उसके प्राण छूट गया। तो प्राण छूटते समय उसका पूछ केवल ये गंगा पानी को ही स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते ही सर्प को ले जाएगा क्या, खाएगा क्या, इतने में सर्प ने चतुर्भुज धारण कर लिया और उसको गरुड़ अपना पीठ में बैठा करके उसको वैकुंठ ले जाना पड़ा। अगर एक सर्प भी मरते समय गंगा पानी का स्पर्श हो जाए तो अगर वो वैकुंठ प्राप्त कर सकता है, अगर कोई साक्षात रूप में स्नान करे तो, पर उसको क्या फल नहीं हो सकता। गुरुदेव और ये कथा सुनाया करते थे। बोले एक समय कोई एक ओझा जो जादू टोना जानता है, एक समय वो जा रहा था, देखा कुछ भूत लोग बैठी करके बैंड पार्टी बाजा बजा रहे हैं, बड़ी चोर शोर से शादी का भजन गा रहे थे। इतने में वो ओझा ने एक गुणी एक भूत को बुलाया, बोले क्या बात भैया आज इतना आनंद क्यों हो रहा है? बोले कल हमारी एक लड़की है वो कुंवारा, उसकी शादी होने वाले। बोले कैसे? बोले दो साड़ में लड़ाई होगी, एक नौजवान जब उसको छुड़ाने जाएगा वो बड़ी साड़ क्रोध में होगा, पेट में मारेगा तो पेट को फाड़ देगा और वहीं पर प्राण त्याग करेगा तो अपमृत्यु से प्रेत बन करके आएगा, फिर शादी होगी। जब दूसरे दिन जा रहा था वो जा देखा सबके सब भूत बैठ करके रो रहे थे। बोले भैया रो रहे हैं क्यों? बोले बहुत बड़े का अनुहोनी हो गया। बोले मैंने तो पता लगाया वो जवान मर गया, लेकिन तो मरा, लेकिन जिस समय उसको मारा, कभी कभी सींग में साड़ की खुजली मचती है, वो मिट्टी को कुतरता था
और उस सींग में लगा हुआ था गंगा रज। जब उसको मारा, मारते ही वो गंगा रज स्पर्श होते ही उसको तो मुक्ति मिल गई। इसलिए हमारी जो बेटी है वो कुंवारी की कुंवारी रह गई। इसलिए हम बैठी करके हम सबके सब यहाँ पर हम रो रहे हैं। इसलिए गंगा की इतने महिमा, गंगा की इतने महिमा, कहती जो गंगा देवी ये कोई साधारण नहीं। विशेष करके साइंटिस्टों ने रिसर्च करके देखा, ये गंगा पानी जितने साल तक रख लो ये कभी भी इसमें कीड़ा नहीं पड़ते। केवल एक ही पानी है जो गंगा पानी, जिसको जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, लेकिन और सारे दूसरे पानियों में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग गंगा को पार करते हुए अभी हम लोग नरसिंहपल्ली जाएंगे, और गंगा का ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और गंगा की हम लोग आचमन लेंगे, और गंगा में स्नान करेंगे। और गंगा में स्नान करने पर इसलिए एक संत उदाहरण देते हैं, जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीन पद को प्राप्त करते हैं। बोले कैसे? बोले जब वो स्नान करते हैं सर के ऊपर में गंगा पानी आती है, और शंकर जी के सर के ऊपर में गंगा है, इसलिए शंकर जी के स्वरूप प्राप्त करता है। फिर जब कोई व्यक्ति कमंडल में पानी लेकर के जाता है, पानी कहते ब्रह्मा के कमंडल में ये पानी है। जब व्यक्ति स्नान करता है उसका चरण भी गंगा को स्पर्श होता है, इसलिए कहते हैं गंगा में स्नान करने पर ब्रह्मा विष्णु महेश कहते ये तीन स्वरूप को व्यक्ति प्राप्त करता है। इसलिए गंगा की अनंत अनंत गंगा की महिमा है। हम लोग ये गंगा को पार कर रहे हैं, हम लोग सब भक्त लोगों को सब दर्शन कर रहे हैं। कैसे हजार हजार भक्त कीर्तन करते हुए गंगा पार करते हुए हरी बोल करते करते गंगा पार होकर के भगवान नरसिंह देव का स्थान में जा रहे हैं। क्योंकि जो भगवान नरसिंह देव है, इनको पास में जाने से जितने हमारी बाधा विघ्न भक्ति की, ये सारी बाधा विघ्न हमारी दूर हो जाती है। बोले श्री गंगा महारानी की, बोले श्री गंगा देवी की, निताय सचिनंदन गौर हरि की, निताय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोलो। गंगा माता की जय। गंगा पापं स सीतापं दैनं कल्पतरुर हरेत् पापं तापं तथा दैनं सद्दो संत समागमे। महाराज जी बता रहे, मैं गलती बताया ना महाराज जी, इसका व्याख्या कर दे।